टुडे आवर टॉपिक इज इंट्रोवर्ट एंड ग्रेविड यूट्रस। तो यूट्रो जो ग्रेविड यूट्रस है वो इंट्रोवर्टेड कैसे होता है, मतलब जो सैक्रल रीजन है उसकी तरफ यूट्रस का मूव हो जाना। तो यूट्रोवर्टेड यूट्रस जो है वो कंजेनाइटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। तो जो कि क्या होता है कि जो यूट्रस की नॉर्मल पोजिशन है उससे वो वेरिएंट होता है, रिट्रोवर्टेड यूट्रस उससे थोड़ा भिन्न होता है। ठीक है, तो रिट्रोवर्टेड यूट्रस जो होता है वो पहले से भी मतलब कंजेनाइटल भी वो है हो सकता है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी यूट्रस रिट्रोवर्टेड हो सकता है। ठीक है, तो उसकी इंसिडेंस रेट जो होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 10% होती है रिट्रोवर्टेड यूट्रस की। और तो इसका कॉज क्या हो सकता है, तो रिट्रोवर्टेड यूट्रस होने का कॉज जो होता है वो हो सकता है कि जो बिफोर प्रेगनेंसी है उसमें जो सैक्रल कॉनकेविटी है, सैक्रल रीजन है उसकी जो कॉनकेविटी है वो डीप कॉनकेविटी होने की वजह से यूट्रस उसकी तरफ ज़्यादा मूव हो जाता है। ठीक है, तो यूट्रस का कॉनकेविटी में मूव होना है। और सेकेंड क्या होता है कि जो सैक्रल प्रोमेंट्री होती है, जो सैक्रम का अपर पार्ट होता है, जो सैक्रल प्रोमेंट्री होती है उसका ओवर हैंगिंग होना, मतलब उसका थोड़ा सा बाहर निकलना या उसका थोड़ा सा इस तरह से इस शेप में होना, ऐसे ऐसे लटका हुआ होना उसका सैक्रल प्रोमेंट्री का, तो जो यूट्रस होता है वो उसके अंदर फंस जाता है और ऊपर उसको उठने में भी प्रॉब्लम होती है यूट्रस को। ठीक है, तो क्या होता है कि उसके ऐसी जो पोजीशन होती है वो क्या करती है, यूट्रस को अपवर्ड मूवमेंट होने में डिफ़िकल्टी करती है। ठीक है, और क्या कॉज होते हैं, जैसे ओल्ड पेल्विक एडहेजन होना, कुछ और पेल्विक एडहेजन हो सकते हैं उनकी वजह से भी यूट्रस रिट्रोवर्टेड हो सकता है। और पेल्विक ट्यूमर, अगर कहीं पे पेल्विक ट्यूमर है तो वो पेल्विक ट्यूमर यूट्रस पे फोर्स डालेगा, उसकी वजह से वो रिट्रोवर्टेड हो सकता है, या फिर कोई और अदर अननोन कॉज भी होते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से जो ग्रेविड यूट्रस है वो रिट्रोवर्टेड हो जाता है। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, तो क्लिनिकल फीचर्स में देखते हैं कि जो अब 12 वीक के बाद में जो यूट्रस है वो अपने आप अपग्रेड होता है। ठीक है, उसकी अपने आप ग्रोथ होती है, तो जो यूट्रस का जो फंडस होता है वो अपने आप अपराइज होता है। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम होना, तो वो अपने आप अपराइज नहीं हो पाएगा यूट्रस का फंडस, अपने आप यूट्रस जो है वो ऊपर की तरफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, यूट्रस वहीं पेल्विक कैविटी में ही वहीं डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो कंडीशन इनकार्सिनेशन कहलाती है, जिसमें क्या होता है कि जो यूट्रस है वो सिंफाइसिस प्यूबिस और सैक्रल प्रोमेंट्री के बीच में ही रह जाता है, वहीं पर ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो पेल्विक कैविटी है वो फुलअप हो जाती है यूट्रस की वजह से। ठीक है, तो वो इनकार्सिनेशन कॉज हो सकता है, इनकार्सिनेशन अकर हो सकता है। ठीक है, तो इनकार्सिनेशन 12-16 वीक के बीच में होता है। ठीक है, और इनकार्सिनेशन की वजह से क्या क्या साइन सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि जो यूरिन है उसमें फ्रीक्वेंसी होना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, ठीक है, फॉलोड बाय रिटेंशन ऑफ यूरिन। ठीक है, और पेनफुल, तो ड्यूरिंग यूरिनेशन उसको पेन होगा। ठीक है, और जो ब्लैडर है उसका ओवरफ्लो होगा और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होगा। ठीक है, और पेल्विक डिस्कम्फर्ट भी होगा उसकी वजह से, इनकार्सिनेशन की वजह से पेल्विक डिस्कम्फर्ट होगा वुमेन को, और लो सैक्रल पेन रहेगा और कॉन्स्टिपेशन उसको रहेगा। ठीक है, और कॉजेस क्या हो सकते हैं, इनकार्सिनेशन क्यों होता है, इनकार्सिनेशन क्या कॉज होते हैं इसके, ये जो सैक्रल प्रोमेंट्री है उसका प्रोजेक्टेड होना, ठीक है, और यूटेराइन एडहेजन होना, ठीक है, और पेल्विक ट्यूमर होना या फिर और अदर इटियोलॉजी
क्रिटिकल जो फैक्टर है वो इडियोपैथिक है, ठीक है, अननोन है वो। और इसके अब साइन सिम्टम्स क्या हैं, मतलब साइन क्या है, इसको कैसे डायग्नोस करेंगे, तो डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले तो पेशेंट को पेन होगा वहाँ पे, ठीक है, तो वो हम देखेंगे पेशेंट को पेन होगा, और जो लोअर एब्डोमेन है वो डिस्टेंडेड रहेगा, टेंडर रहेगा लोअर एब्डोमेन, ठीक है, और क्या होता है, और जो जो स्वेलिंग होगी सुप्रा प्यूबिक रीजन है उसके ऊपर स्वेलिंग रहेगी, क्योंकि ब्लैडर डिस्टेंडेड है उसकी वजह से सुप्रा प्यूबिक एरिया पे स्वेलिंग रहेगी, ठीक है, और बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करेंगे, जब पीवी एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो सर्विक्स का पोस्टीरियर फोर्निक्स है उसमें हमको यूट्रस फील होगा, ठीक है, तो वो मास जो यूट्रस है वो हमको जब हम पोस्टीरियर फोर्निक्स से हम एग्जामिनेशन करेंगे तब हमें फील होगा, ठीक है, और जो सर्विक्स है वो हो सकता है हमें फील ना हो, तो इनकैपेबिलिटी टू रीच द सर्विक्स, ठीक है, और क्योंकि जो सर्विक्स है अगर यूट्रस रिट्रोग्रेड होगा तो सर्विक्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, तो उस वजह से हमको पीवी एग्जामिनेशन में सर्विक्स फील नहीं होती है, ठीक है। तो क्या होता है, जब यूट्रस जब रिट्रोवर्टेड होगा सैक्रम की तरफ होगा तो उसकी सर्विक्स जो होगी वो अपवर्ड एंड पेशेंट के बैकवर्ड में रहेगी, जिसकी वजह से हम जब पीवी एग्जामिनेशन करेंगे तो हमको फील नहीं होगी सर्विक्स, ठीक है, और पोस्टीरियर फोर्निक्स से जब हम फील करेंगे तो सिर्फ यूट्रस फील होगा, यहाँ पे सर्विक्स हमको फील नहीं होगी, ठीक है। और रेक्टल एग्जामिनेशन यूजफुल हो सकता है, रेक्टल एग्जामिनेशन करके हम दे सकते हैं, ठीक है, और जब ब्लैडर एम्प्टी करके हम जब एग्जामिनेशन करेंगे बाई एब्डोमेन तो बाई एब्डोमेन हमको यूट्रस फील होगा, ठीक है। अब इफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी, अबॉर्शन हो सकता है या फिर माल प्रेजेंटेशन हो सकता है फीटस का, या फिर प्री मेच्योर लेबर हो सकता है, नॉन एंगेजमेंट ऑफ हेड हो सकता है, और रप्चर ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, यूट्रस का रप्चर हो सकता है ड्यूरिंग डिलीवरी। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम, तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हम कैथेटराइज करेंगे, जो जो डिस्टेंडेड ब्लैडर है उसको डिस्टेंशन को कम करने के लिए यूरिन काउंट करने के लिए कैथेटराइजेशन करेंगे, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लैडर है जो यूट्रस के ऊपर प्रेशर डाल रहा है वो भी प्रेशर कम होगा यूट्रस के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से वो हो सकता है थोड़ा रिट्रोग्रेड से थोड़ा सा आगे की तरफ मूव हो, ठीक है, और बेड रेस्ट देंगे पेशेंट को इन प्रोन पोजीशन, तो प्रोन पोजीशन देंगे पेशेंट को ऐसी कंडीशन में, ठीक है, तो हो सकता है प्रोन पोजीशन की वजह से जो यूट्रस है वो आगे की तरफ हो थोड़ा, ठीक है, और उसके बाद में अगर यूटीआई कोई और इन्फेक्शन हो रहा है, यूटीआई अगर जैसे हो रहा है और तो उसको एंटीबायोटिक देंगे, एमोक्सिसिलिन देंगे 500 mg 8 hourly into 7 days के लिए, ठीक है, और अपने यूट्रस कभी कभी अपने आप भी करेक्ट पोजीशन में आ जाता है, तो उसको करेक्ट पोजीशन के लिए क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोन पोजीशन देंगे, ठीक है, और ब्लैडर को ड्रेन करेंगे, ठीक है, और ब्लैडर को ड्रेन करने के साथ साथ में पेशेंट को बीच बीच में नी चेस्ट पोजीशन भी देंगे, ठीक है, तो नी चेस्ट पोजीशन की वजह से और नी चेस्ट पोजीशन देंगे और उसको सुपाइन पोजीशन में सोने के लिए बोलेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मेजर केसेस में यूट्रस
विद इन 48 आवर्स में करेक्ट पोजिशन में हो जाता है, ठीक है। और अगर स्पॉन्टेनियस करेक्शन फेल हो गया, अगर स्पॉन्टेनियस करेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम जो है वो मैनुअल करेक्शन करते हैं। तो मैनुअल करेक्शन के लिए यूट्रस को मैनुअल करेक्शन के लिए क्या करेंगे, यूट्रस को पुशिंग यूट्रस को पुश करेंगे आगे की तरफ, ठीक है। तो हम डिजिटली यूट्रस को आगे की तरफ पुश करेंगे, मतलब मैनुअली वजाइना के थ्रू यूट्रस को आगे की तरफ पुश करेंगे, और उसके साथ साथ एलिस फोर्सेप्स से हम उसको जो सर्विक्स है उसको हम पोस्टीरियरली ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पोस्टीरियरली ड्रॉइंग करेंगे मतलब उसको सर्विक्स को हम पीछे की तरफ खींचेंगे और सर्विक्स के थ्रू वजाइना के थ्रू यूट्रस को हम आगे की तरफ मूव करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद में हम पेसरी का यूज करेंगे, ठीक है। तो पेसरी लगा देंगे हम, तो पेसरी का नाम है हॉर्ज पेसरी स्मिथ। हॉर्ज स्मिथ पेसरी का यूज करेंगे जब हम उसकी पोजीशन को करेक्ट कर देंगे, उसके बाद में हॉर्ज स्मिथ पेसरी का पेसरी को वहां पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और पेसरी वहाँ पे 18 टू 20 वीक तक अप्लाई रहेगी, उसके बाद में यूट्रस अपने आप ग्रो करना स्टार्ट कर देगा ऊपर की तरफ, तब उस पेसरी को रिमूव कर लेंगे, ठीक है। और अगर अडहेजन वहाँ पे प्रेजेंट है तो अडहेजन को कोई भी मेथड ये काम नहीं करेगा, तो उसके लिए हम लेप्रोस्कोपी का यूज करेंगे, ठीक है। तो लेप्रोस्कोपी के थ्रू उसको अडहेजन को करेक्ट करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। और सिजेरियन डिलीवरी इसमें प्रिफर करेंगे, ठीक है। तो रेट्रोवर्जन यूट्रस में सिजेरियन डिलीवरी करेंगे, क्योंकि जो वजाइनल डिलीवरी है हो सकता है उसमें कॉम्प्लिकेशन हो, तो सिजेरियन डिलीवरी परफॉर्म करेंगे। अगर लेट ट्राइमेस्टर में हमको ये डायग्नोज हो रहा है कि यूट्रस है वो उसकी पोजिशन ठीक नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मैनुअली हम करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी सिजेरियन डिलीवरी हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्वाइकल नियोप्लाज्म। तो सर्वाइकल नियोप्लाज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसकी जो इंसिडेंस रेट क्या होती है, जो इन्वेजिव कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स है वो 1 in 2500 प्रेगनेंसी, ठीक है। तो जो इन्वेसिव कार्सिनोमा है उसकी जो इंसिडेंस रेट होती है वो ये होती है, इन्वेसिव कार्सिनोमा मीन्स जो कैंसर है वो सर्विक्स की सरफेस से उसके सर्विक्स के टिश्यू तक स्प्रेड होना, ठीक है। और टिश्यू तक स्प्रेड हो सकता है या फिर अदर ऑर्गन्स तक भी स्प्रेड हो सकता है कैंसर, ठीक है। तो ये इन्वेसिव कार्सिनोमा होता है, ठीक है। तो अगर एबनॉर्मल सर्वाइकल साइकोलॉजी की आती है, अगर साइटोलॉजी हम करवाते हैं इस कंडीशन में, तो एबनॉर्मल सर्वाइकल साइटोलॉजी की रिपोर्ट में, मतलब जो अगर पेप स्मियर हम करवा रहे हैं, ठीक है, तो पेप स्मियर की रिपोर्ट में क्या आता है कि माइल्ड ASCUS, मतलब एटिपिकल स्क्वामस सेल ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो अगर हमको जो पेप स्मियर हम करवा रहे हैं उसकी फाइंडिंग में हमको अगर फ्लैट सेल हमको दिख रही है, मतलब सेम फ्लैट सेल स्क्वामस जो सेल है वो सेम साइज की फ्लैट सेल हमको दिख रही है, तो उसकी ये फाइंडिंग होती है, ठीक है। तो माइल्ड ASCUS, ठीक है। और इसके बाद में एक और होता है,
इंट्राएपिथेलियल लीजन्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो सेल्स है सर्विस की, वो जो सर्विस के सरफेस पर जो सेल प्रेजेंट है वो थोड़ी एबनॉर्मल दिखाई देगी, ठीक है। तो इसमें पहले वाले में नॉर्मल होगी सेल्स, इसमें हमको इसमें फ्लैट दिखाई देगी सेल्स, सारी सेल्स फ्लैट दिखाई देगी, और इसमें कुछ एबनॉर्मल दिखाई देगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा जा सकता है, ठीक है। तो और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के साथ साथ में रिपीटेड साइटोलॉजी करवानी पड़ती है, रिपीटेड डायग्नोसिस करवाना पड़ सकता है, ठीक है। तो और उसके बाद में ऐसी कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी भी अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो सकता है ये कंडीशन डिलीवरी के 6 वीक बाद में अपने आप रिकरेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन अपने आप रिकरेक्ट हो सकती है 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। और इसके बाद में ये कंडीशन और हमको हम देख सकते हैं, मतलब हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्रा एपिथेलियल लीजन्स, ठीक है, या फिर कार्सिनोमा। तो अगर ये कंडीशन हमको दिखती है तो ये कंडीशन हम कैसे साइटोलॉजी के थ्रू, ठीक है, या फिर कोल्पोस्कोपी या फिर बायोप्सी के थ्रू हम ये इसका डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, इसका इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वेजाइनल डिलीवरी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। तो अगर नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा है, ठीक है, तो नॉन इन्वेसिव कार्सिनोमा में प्रेगनेंसी कंटिन्यू रख सकते हैं डिलीवरी तक, ठीक है। और रिपीटेड साइटोलॉजी करवाएंगे, रिपीटेड डायग्नोसिस करवाएंगे हम कैंसर के लिए, ठीक है। और जो वेजाइनल डिलीवरी है उसको अलाउ करेंगे, और उसको बार बार हम देखेंगे कि पोस्टमार्टम कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है। तो पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन के लिए भी उसको ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। हो सकता है ट्रीटमेंट कौन स्टेक्टमी कर सकते हैं, हम डिलीवरी के साथ में स्टेक्टमी कर सकते हैं, कोनाई कैनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन ट्यूमर पर, इसमें क्या इफेक्ट होता है प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी पे कार्सिनोमा का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसमें इंक्रीज चांसेस ऑफ अबॉर्शन के चांसेस इंक्रीज होंगे, या फिर प्रीटर्म लेबर हो सकता है, सेकेंडरी सर्वाइकल डिस्टोशिया हो सकता है, मतलब जो लेबर है डिफिकल्टी इन लेबर, ठीक है, ड्यू टू मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, तो सर्वाइकल डिस्टोशिया हो सकता है, ठीक है, और सर्विक्स में इंजरी हो सकती है, ठीक है, और ट्रॉमेटिक पीपीएच हो सकता है क्योंकि सर्विक्स में इंजरी होगी तो पीपीएच के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, लोकियोमेट्रा या फिर बायोमेट्रा हो सकता है, या फिर यूटेराइन सेप्सिस हो सकता है, ठीक है। इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो इसके डायग्नोसिस के लिए हम जो इन्वेसिव कार्सिनोमा है उसको सस्पेक्ट करने के लिए साइटोलॉजी हम करेंगे, तो उसमें एबनॉर्मल साइटोलॉजी आएगी, ठीक है, क्लिनिकल सिम्टम्स देख सकते हैं हम, ठीक है, और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जैसे कि बायोप्सी, पंच बायोप्सी जो होती है वो हम कर सकते हैं, उसमें क्या करते हैं पंच बायोप्सी,
उसमें हम सर्विस का कुछ इशू लेते हैं और उन इशूज की स्टडी करते हैं, ठीक है। और उसका ट्रीटमेंट देखते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी हम क्या करते हैं कि क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हम करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ड्यूरिंग 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी क्या करते हैं, अगर जो कैंसर की फर्स्ट या सेकेंड स्टेज है उसके अंदर हम जो रेडिकल हिस्टेक्टमी का यूज करेंगे, ठीक है, तो हम कम्प्लीटली हिस्टेक्टमी कर देंगे फर्स्ट या सेकेंड स्टेज में, ठीक है। और उसके साथ में हिस्टेक्टमी के साथ में जो पेल्विक लिम्फ एडिनेक्टमी भी करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि लिम्फ के थ्रू भी कैंसर है वो स्प्रेड होता है, तो लिम्फ एडिनेक्टमी भी हम साथ में उसके करते हैं रेडिकल हिस्टेक्टमी के साथ में, ठीक है। और अगर 20 वीक के अंदर अंदर अगर जो कैंसर है वो एडवांस स्टेज में है तो हम रेडिएशन थेरेपी का यूज करते हैं, ठीक है। तो रेडिएशन थेरेपी का यूज करेंगे, तो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी स्टार्ट करेंगे अर्ली प्रेगनेंसी में, ठीक है। और तो हो सकता है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाए, ठीक है। अगर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन नहीं होगा तो हम मेडिकली टर्मिनेट करेंगे प्रेगनेंसी को और उसके बाद में हम रेडिएशन थेरेपी देंगे, ठीक है। और जो है इंट्रा कैविटी रेडिएशन थेरेपी भी हम दे सकते हैं, ठीक है। और 14 to 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है उसमें क्या करेंगे, हम जो फर्स्ट हम हिस्टेक्टमी हम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम रेडियोथेरेपी स्टार्ट कर देंगे पेशेंट की, ठीक है। अब देखते हैं जो सेकेंड हाफ वो प्रेगनेंसी है, ये तो 20 वीक तक के मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद में जो सेकेंड हाफ प्रेगनेंसी उसमें हम क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो उसमें हम जब तक फीटस लाइव नहीं हो जाता अपने आप सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक हम डिले करेंगे ट्रीटमेंट को, ठीक है। और साथ में स्टेरॉयड दे सकते हैं फॉर फीटस के लंच मैच्योरिटी के लिए स्टेरॉयड दे सकते हैं, और सिजेरियन 34 वीक पे हम सिजेरियन डिलीवरी करवाएंगे पेशेंट की। तो 34 वीक पे सिजेरियन डिलीवरी हम करवाएंगे और इसके साथ साथ में जो लिम्फ एडिनेक्टमी है वो भी हम करवा देंगे सिजेरियन डिलीवरी के साथ में, लिम्फ एडिनेक्टमी भी हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और अर्ली अगर अर्ली स्टेज है कैंसर की तो उसमें तो स्टेक्टमी हो गई, ठीक है। तो स्टेक्टमी हो गई, और अगर रेयर स्टेज है उसकी कैंसर की लेट स्टेज में है तो रेडिएशन थेरेपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट स्टेज में रेडिएशन थेरेपी स्टार्ट होती है। अब ड्यूरिंग लेबर में क्या मैनेजमेंट होगा एक बार और मैं आपको समझाती हूँ। सेकेंड हाफ प्रेगनेंसी उसमें क्या करेंगे कि फीटस के वायबल होने तक हम वेट करेंगे, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देंगे पेशेंट को, ठीक है। फीटस वायबल हो जाएगा या फिर फीटस को स्टेरॉइड देंगे उसकी लंग्स मैच्योरिटी के लिए, उसके बाद में हम 34 वीक के बाद में उसके हिस्टेरेक्टमी करेंगे और सिजेरियन सेक्शन के थ्रू हम फीटस को डिलीवर कराएंगे और हिस्टेरेक्टमी कर देंगे पेशेंट की, साथ में लिम्फ एडिनेक्टमी कर देंगे, ठीक है। और ये तो अगर अर्ली स्टेज में है तो ये मैनेजमेंट करेंगे, और अगर कैंसर सीवियर स्टेज में लास्ट स्टेज में है तो उसके साथ में रेडिएशन थेरेपी भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि लेबर ड्यूरिंग लेबर क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो लेबर में हम इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वेजाइनल डिलीवरी इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू सर्वाइकल डिस्ट्रोशिया या फिर इंजरी हो सकती है, इंट्रैक्टेबल ब्लीडिंग हो सकती है, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को, ठीक है। तो इस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन हम करते हैं, ठीक है। और प्रोग्नोसिस इसका प्रोग्नोसिस और कैसे करेंगे, प्रोग्नोसिस इसका जो जैसे कि कैंसर नॉन
ऐसे ही इसका प्रोग्नोसिस कंटिन्यू करेंगे ठीक है आगे। तो हमने पढ़ा न्यू सर्वाइकल न्यू क्लास। ओके थैंक यू।